गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रेक्शन के बारे में, है ना। आज हम रिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रेक्शन इन डेली लाइफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स दैट लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। तो पेंसिल जो होती है वो मुड़ी हुई क्यों दिखती है, ये सब रिफ्रेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। द रीज़न बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज इन वाटर इज दैट लाइट दैट रीचेस अस फ्रॉम पार्ट डिप्ड इन द वाटर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम आउटसाइड द वाटर। दैट इज़ वाई पार्ट इनसाइड द वाटर अपीयर टू बी बेंड। When we look a straw in a glass filled with water, light from the top of the straw travel straight to the light। तो कोई भी चीज़ जब पानी में होती है तो उससे जो रे चलती है, जब हमारी प्रकाश की किरणें जब चलती है तो वो उससे टकरा के हमारी आँखों में आती है, वो थोड़ी इसलिए हमको बैंड होती हुई नज़र आती है। We know that the speed of light in vacuum is 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। When the ray of light is traveling from one medium to another medium, then the speed of light is changed। जब रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे हवा से पानी में या पानी से कांच में आती है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज इफ़ द अदर मीडियम इज डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट लाइक ग्लास वाटर ग्लिसरीन, देन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीज बट द फ्रिक्वेंसी इज अनचेंज। तो इफ़ द अदर मीडियम इज डेंसर, अगर दूसरा मीडियम डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट जहाँ से लाइट आ रही है और दूसरे में जा रही है, तो दूसरा वाला मीडियम अगर डेंसर है तो क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दैट्स वाई द रे ऑफ लाइट इज़ बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, इसलिए लाइट की जो रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। वेन इट गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इन अदर वे वेन द रे ऑफ लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इंक्रीज, तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी एंड रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से अवे हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिफ्रेक्शन इज ईजीली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी। हम एक ग्लास का स्लेब लेंगे, जिसका नाम है ए बी सी डी। एक ग्लास का स्लेब लिया ए बी सी डी। इफ़ 9.19 फिगर में देख रहे हैं हम, लाइट रे ट्रैवलिंग इन एयर एंड इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लेब एट पॉइंट ओ। तो ये एक यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे है पी ओ, ये ओ है, तो जो पी ओ है वो कौन सी लाइट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चल रही है तो वो यहाँ पर आ रही है। अब ये कहाँ से आ रही है, एयर से, हवा में से आ रही है और ये ग्लास स्लैब है, तो हवा से एयर से प्रकाश की किरण, एयर से प्रकाश की किरण आ रही है और वो ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है और एक पॉइंट ओ पे टकरा रही है। ऑन द एंट्रिंग द ग्लास मीडियम दिस रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अब ये जानी तो चाहिए ऐसा, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, है ना, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल एन डैश एन। दिस मीन्स दैट द पी ओ गेट्स रिफ्रेक्टेड ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब एट पॉइंट ओ डैश, इट कम्स आउट ग्लास स्लैब एज शोन इन फिगर, सिंस ओ ओ डैश गोज फ्रॉम द ग्लास टू एयर इट अगेन गेट्स रिफ्रेक्टेड एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये जो लाइट है ये जानी तो चाहिए ऐसा, लेकिन ये नॉर्मल से, ये भी नॉर्मल है, यहाँ के लिए ये नॉर्मल है, तो ये इससे दूर चली जाएगी, इसमें तो ये इधर पास आ जाएगी और इसमें यहाँ पर ये दूर हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब एयर से ये कांच में आती, ग्लास स्लैब में आती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और जब ग्लास स्लैब से वापस एयर में आ रही है तो ये बाहर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। हियर पी ओ इज़ इंसिडेंट रे एंड ओ एस इज़ द इमर्जेंट रे, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ओ डैश ओ इज़ द रिफ्रेक्टेड रे, ठीक है।
तो ओ डैश ओ जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे है। हियर इमरजेंट रे ओ डैश एस, इमरजेंट रे जो है ओ डैश एस इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पी ओ, वो इंसिडेंट रे रे के पैरेलल होती है, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड डी सी द ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। हियर एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल है यहाँ पर जो एंगल बनेगा आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर जो है यहाँ पर जो है आर है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सी रे है रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। द रिफ्रैक्शन इज ऑकर्ड अकॉर्डिंग टू द सेम लॉ, इट इज क्लियर बाय द फिगर 9.19 दैट द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर इन लाइन द सेम प्लेन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और नॉर्मल है, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन इन द रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है, इसको रिफ्लेक्शन का पहला नियम बोलते हैं। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट। तो जो ये रेशो है साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो इसका एंगल और इसका एंगल का जो रेशो है साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, विच इज़ नोन एज स्नेल्स लॉ, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस कॉन्स्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो म्यू वन टू है ना, म्यू वन टू इसको बोल देंगे म्यू वन टू, म्यू वन टू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ़ द लाइट एंटर फ्रॉम द वैक्यूम टू एनी मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ़ द लाइट एंटर फ्रॉम द वैक्यूम, वैक्यूम से अगर लाइट एंटर करती है, अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मीडियम में होता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द एयर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अगर एयर से किसी मीडियम में आती है तो एयर से लेके मीडियम में कहलाएगा। तो म्यू टू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू। तो ये जो कहलाएगा, ये आ गया समझ में आपको रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में ये है कि म्यू टू वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एयर में स्पीड की लाइट और किसी मीडियम में इजिकल टू, ये आगे हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू, वी वन अपॉन वी टू। ठीक है, या वी ए अपॉन वी डब्ल्यू भी हो सकता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम डेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द कलर। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम किस 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 के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है और वेवलेंथ क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर इज मैक्सिमम, जो वायलेट कलर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। एंड द मिनिमम फॉर रेड कलर, और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सम मटेरियल आर गिवन इन द टेबल नंबर थ्री। तो ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, वैक्यूम में, एयर में, वाटर में, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। अब है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब हम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। पहला, द सन इज़ विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट।
जो एक्चुअल सनराइज होता है उससे पहले ही हमको सूरज दिखता है. द सन इज़ विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज. जब एक्चुअल सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, उससे पहले ही हमको सूर्य दिख जाता है. और सूर्यास्त हो जाता है, जब सूरज डूब जाता है उसके बाद भी हमको सूरज दिखता है. वो क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण. द सन इज़ विजिबल टू अस टू माइन्यूट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड टू माइन्यूट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द लाइट फ्रॉम द सन गेट रिफ्रैक्टेड बाय द एटमोस्फेरिक लेयर एंड रीचेज अस. दिस मेक अस थिंक दैट लाइट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द सन. तो सन इज विजिबल टू अस टू मिनट बिफोर, दो मिनट पहले द एक्चुअल सनराइज. जो सनराइज होता है उसके दो मिनट पहले ही हमको सूरज दिखता है. एंड टू मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और जब सूरज डूबता है उसके दो मिनट बाद भी हमको वो दिखता रहता है. बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमोसफियर में जो विभिन्न परतें हैं उसमें जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उनकी डेंसिटी अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन होता है और उससे वो हमको दिखता है. वो द लाइट फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय एटमोस्फेरिक लेयर एंड रीचेस टू अस. दिस मेक अस थिंक द लाइट इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द सन. ठीक है, अब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. वेन द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन द रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब सूर्य की किरण डेंसर मीडियम, जो घना है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है. आफ्टर द रिफ्रैक्शन इफ इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज विच द स्पेशल एंगल ऑफ द इंसिडेंट एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. देखो क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद. तो आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई से बड़ा हो जाएगा. इफ़ इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज विच द स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. नाउ इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन द रे ऑफ लाइट कम बैक इन द सेम डेंसर मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो देखो जब क्या होता है, रे ऑफ लाइट जैसे ये नॉर्मल है, यहाँ से रे ऑफ लाइट चल रही है आई, और इस समय जब यह वापस इसी लाइन पे 90 डिग्री पर जब इसका यह आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर इजिकल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल. ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल. जब इंसिडेंट रे ऐसी हो कि उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे जो है 90 डिग्री के एंगल पे बने, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. जब ये इधर जा रही ना, इधर दूर होते होते, नॉर्मल से दूर होते होते, यहाँ से होते होते बिल्कुल यहाँ आ गई, तो ये कहलाएगा क्रिटिकल एंगल. ठीक है, और इसके अलावा जब ऐसा हो कि जब रे ऑफ लाइट गई और नॉर्मल से टकरा के वो वापस इसी मीडियम में लौट के आ जाए, इसी मीडियम में, ये हो गया आई और ये हो गया आर, तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, जब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना ज़्यादा हो कि रिफ्लेक्शन जो है वो उसी मीडियम में आ जाए, रे ऑफ लाइट लौट के उसी मीडियम में आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब है डिस्पर्शन. When the light of sun is passing through the prism, then the light is split into the several constituent color. The band of seven color is formed in lab by using bulb of white light toward the sun or तो क्या होता है, सूरज की किरणें जब किसी प्रिज्म में गिरती है तो वो जब निकल के बाहर आती है तो सात कलर में डिवाइड हो जाती है.
तो उस बैंड ऑफ सेवन कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हेन द लाइट ऑफ सन इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सूरज की रोशनी जब प्रिज्म में से गुजरती है, देन द लाइट इज स्प्लिट इंटू सेवन कॉन्स्टिट्यूट कलर, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सात कलर में बढ़ जाता है। द बैंड ऑफ सेवन कलर आर इज फॉर्म्ड इन द लैब बाय यूजिंग बल्ब ऑफ वाइट लाइट टुवर्ड द सन, और लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज नॉट सीन डायरेक्टली, अदरवाइज द लाइट ऑफ लाइट कैन बी लॉस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ बैंड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट न्यूटन प्रूव्ड द स्पेक्ट्रम प्रेजेंट इज वाइट लाइट, न्यूटन ने सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम को बताया था। द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इन मीडियम आर डिफरेंट, दैट वाई स्पेक्ट्रम फॉर्म ऑन स्क्रीन। द स्पीड ऑफ रेड कलर मोर देन द स्पीड ऑफ वायलेट कलर, सो आफ्टर द रिफ्रैक्शन द रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट कलर इज लार्जली बेंड टूअर द नॉर्मल। द सिक्वेंस ऑफ द डिस्पेशन इज नॉन एज विबगर, जो ये सात कलर का स्पेक्ट्रम बनता है उसको विबगर इंद्रधनुष बोलते हैं। विबगर में सात कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ये दे रखा है एग्जाम्पल, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड देट ऑफ ग्लास इज 1.5, कैलकुलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ वैक्यूम करके स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम ये आराम से निकाल सकते हैं। ये आप समझना और ट्राई करना। कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस से कैसे हमारा रिफ्रैक्शन होता है ये हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।